லைகா புரொடக்ஷன் சுபாஷ் கரண் மற்றும் ரெட் ஜெயின் மூவிஸ் தயாரிப்பில் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் நடிப்பில் பிரம்மாண்ட இயக்குனர் சங்கர் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்தியன் 2 வரும் ஜூலை 12 முதல் உலகமெங்கும் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில். ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रारंभ से देश के दलितों के साथ, देश के पिछड़ों के साथ घोर अन्याय किया है। आदरणीय सभापति जी, और इसी कारण से बाबा साहब अंबेडकर ने कांग्रेस की दलित विरोधी, पिछड़े विरोधी मानसिकता के कारण नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उन्होंने पर्दाफाश किया था कि कैसे नेहरू जी ने दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय किया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा देते समय जो कारण बताए थे वो कारण इनके चरित्र को दर्शाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, मैं सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की उपेक्षा पर अपने अंदर उत्पन्न आक्रोश को रोक नहीं सका। ये बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द है, अनुसूचित जातियों की उपेक्षा। इसने बाबा साहब अम्बेडकर को आक्रोशित कर दिया। बाबा साहब के सीधे हमले के बाद नेहरू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का राजनीतिक जीवन खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आदरणीय सभापति जी, पहले षड्यंत्र पूर्वक बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव में हरवाया गया। आदरणीय सभापति जी, हराया इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के इस पराजय की उसका जश्न मनाया, खुशी मनाई, और खुशी उन्होंने व्यक्त की। आदरणीय सभापति जी, एक पत्र में ये लिखित है, इस खुशी का आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब की तरह ही दलित नेता बाबू जगजीवन राम जी को भी उनका हक नहीं दिया गया। इमरजेंसी के बाद जगजीवन राम जी का पीएम बनने की संभावना थी, इंदिरा गांधी जी ने पक्का किया कि जगजीवन राम जी किसी भी हालत में पीएम न बने, और एक किताब में लिखा गया है कि किसी भी कीमत पर जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। अगर बन गए तो वो हटेंगे नहीं जिंदगी भर। ये इंदिरा जी गांधी का कोट उस किताब में है। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह जी के साथ भी यही व्यवहार किया, उनको भी नहीं छोड़ा था। पिछड़ों के नेता, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, बिहार के सपूत सीताराम केसरी के साथ भी अपमानित व्यवहार करने का पाप
इसी कांग्रेस ने किया। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से ही आरक्षण की घोर विरोधी रही है। नेहरू जी ने तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके साफ साफ शब्दों में आरक्षण का विरोध किया था। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन का रिपोर्ट ठंडे बक्से में सालों तक दबाए रखा था। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस पार्टी के तीसरे प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी, और जब विपक्ष में थे उनका सबसे लंबा भाषण आरक्षण के खिलाफ था, वो आज भी संसद के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, मैं आज एक गंभीर विषय पर आपका और देशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल जो हुआ, इस देश के कोटि कोटि देशवासी आने वाली सदियों तक माफ नहीं करेंगे। आदरणीय सभापति जी, 131 साल पहले, 131 ईयर पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है। 131 साल पहले हिंदू धर्म के लिए विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में दुनिया के दिग्गजों के सामने कहा था। आदरणीय सभापति जी, हिंदू सहनशील है, हिंदू अपनत्व को लेकर के जीने वाला समूह है। इसी कारण भारत का लोकतंत्र, भारत की इतनी विविधताएं, उसका वैविध्य की विराटता आज उसी के कारण पनपी है और पनप रही है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार? ये है आपका चरित्र? ये है आपकी सोच? ये है आपकी नफरत? इस देश के हिंदुओं के साथ आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले हिंदुओं में
जो शक्ति की कल्पना है उसके विनाश की घोषणा की गई थी। आप किस शक्ति की विनाश की बात करते हैं? ये देश सदियों से शक्ति का उपासक है। ये मेरा बंगाल माँ दुर्गा की पूजा करता है, शक्ति की उपासना करता है। ये बंगाल माँ काली की उपासना करता है, समर्पित भाव से करता है। आप उस शक्ति के विनाश की बातें करते हो? ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। इनके साथी हिंदू धर्म को उसकी तुलना डेंगू मलेरिया ऐसे शब्दों से करें और ये लोग तालियां बजाएं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। आदरणीय सभापति जी, एक सोची समझी रणनीति के तहत லைகா புரொடக்ஷன் சுபாஷ் கரண் மற்றும் ரெட் ஜெயின் மூவிஸ் தயாரிப்பில் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் நடிப்பில் பிரம்மாண்ட இயக்குனர் சங்கர் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்தியன் 2 வரும் ஜூலை 12 முதல் உலகமெங்கும் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில்